आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मापन का न्यूमेरिकल कराऊंगा, दो चार क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको कुछ आभास होगा। ये आभास होगा कि हमको कुछ ना कुछ इससे पहले पढ़ना चाहिए, तो जो चीज़ हमको पढ़ना चाहिए उस चीज़ का जो वीडियो है अगले वीडियो में हम आपको दूंगा। तब तक कुछ आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, दो चार न्यूमेरिकल बताऊँगा जिससे आपको पता चले कि हमको क्या कमी है, क्या हमको याद करना चाहिए कि जिससे मापन का एक भी न्यूमेरिकल ना छूटे, जिससे कि आने वाले कोई भी कंपटीशन में या आपके बोर्ड के पेपर में कोई भी सवाल आपका सॉल्व हो सके। तो आइए मापन चैप्टर का पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है कि लाल रक्त कणिकाओं का, क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग 10^-5 मीटर है। दिया क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास 10^-5 मीटर है, इसे माइक्रोन में बताना है। तो आइए, लिखा है कि व्यास कितना दिया है, डी बराबर दिया है डायमीटर, व्यास दिया है 10^-5 मीटर। ये लाल रक्त कणिकाओं का व्यास है और इसको बताना है, इसको माइक्रोन में बताना है और एंगस्ट्रॉम में बताना है। तो आइए माइक्रोन में सबसे पहले देखते हैं, लिखना है कि ये मीटर में है, इसको मीटर को हटा करके एंगस्ट्रॉम में लाना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले अपना जो याद हमको कि 1 माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर, ये हमको याद है। तो मीटर को हमको लाना है, तो मीटर में कितना होगा बताइए, 10^ क्या हो जाएगा, 10^6, 10^6 क्या हो जाएगा, 10^6 हम लोग का, आइए 10^6 क्या माइक्रोन। अब जो हम लोग पूछा है, क्या पूछा है, जो डायमीटर दिया है लाल रक्त कणिकाओं का 10^-5, और हमको मीटर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, माइक्रोन में। तो मीटर को हटा कर कितना लिखेंगे, 10^6 माइक्रोन। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, आधार समान है, घात जुटेगा, तो 10^ क्या हो जाएगा, 1 जुट जाएगा माइक्रोन, यानी 10 माइक्रोन होता है। मीटर में 10^-5 और माइक्रोन में होता है 10 माइक्रोन। मान लीजिए इसी को कह दे नहीं नहीं ये हटा दे, आप बोले कि नहीं इस क्वेश्चन को आपको बताना है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम बताना है, तो सब मिटाइए ठीक। और आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास माइक्रोन से नहीं, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो आइए निकालना है कि डी का मान कितना एंगस्ट्रॉम कितना, तो फिर लिखिए हल और उसमें क्या लिखेंगे सॉल्व में, डी बराबर 10^-5 मीटर। अब हमको मीटर को हटाना है, एंगस्ट्रॉम को लाना है। तो एंगस्ट्रॉम के बारे में कुछ जानते होंगे हम लोग, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को A0 से दिखाते हैं, ε0 से, बराबर 10^-10 मीटर। लेकिन हमको मीटर को लाना है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर बराबर 10^10 एंगस्ट्रॉम चले, और 10^-5 अगुणे मीटर को हटा दीजिए, मीटर को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, 10^10 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आधार समान है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^5 और 10 जुट नहीं पाएगा, चिन्ह विपरीत है, तो घटाइए 5 एंगस्ट्रॉम, ये आपका सवाल हो गया। ये मापन का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको एक सवाल में दो चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं ये मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। एक क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 5×10^-11 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है, 5×10^-11 मीटर, और कहा है कि इस त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में बताइए, यानी मीटर में मत, एंगस्ट्रॉम में। तो आपको इसके पहले कुछ मालूम है, मालूम है क्या मालूम है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10^-10 मीटर। तो मीटर में कितना होगा, मीटर में हो जाएगा 10^10 एंगस्ट्रॉम। आज जो हमारे सवाल में था R, वहाँ पे 10^5 लिखा है इंटू 10^-11, ये सब ठीक है, बस मीटर को हटा दीजिए, क्या लिखिए वहाँ पे, 10^10 एंगस्ट्रॉम। आधार समान है,
घात क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि घटेगा इसलिए चिन्ह विपरीत है, तो 10 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस एक एंगस्ट्रॉम, और माइनस एक का मतलब क्या बटा में क्या हो गया 10 के पावर एक, है ना। अब क्योंकि घात अगर ऋण होता है तो धन बन जाएगा, कब, वो संख्या जब बटा में जाएगी तब। तो इस तरह से आप भाग देंगे तो कितने जीरो है, एक जीरो है ना, दशमलव यहाँ पे छिपा रहता है, यहाँ पे फान जाएगा और 0.5 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो आपकी जो त्रिज्या है हाइड्रोजन परमाणु की एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। और ऐसे भी बताया गया था आपको कि जो एंगस्ट्रॉम होता है परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने में काम आता है। तो जितना भी ये न्यूमेरिकल हो रहा है, एक वीडियो आपका अगला बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, माइक्रोन का होता है, फर्मी क्या होता है, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटीमिली क्या होता है, मिली में माइक्रॉन क्या होता है, ये सब आपको अगले वीडियो में एक आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।